Hey guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are good. I am also very good. So let's make breakfast first. And आज मैं बना रही हूँ chickpeas की ये जो chaat बोलेंगे and I don't know whatever we can call it. So it's boiled chickpea and it's a great source of protein. So since I start going to gym, I always think about कि ऐसा मैं क्या खाऊँ जैसे मेरा protein intake पूरा हो and जो ये chickpeas होते हैं ये चना वगैरह इनमें high source ऑफ ये प्रोटीन होते हैं. सो आई एम ईटिंग दिस एंड ऑफकोर्स यमी भी बहुत होते हैं. सो दिस इज क्रिएटिन बॉक्स जिसमें मम्मी ने मुझे ड्राई फ्रूट्स भर के दे दिया है. सो बेसिकली माई मॉम थिंक्स की जो वे प्रोटीन होता है वो बेसिकली ड्रग्स होता है तो मुझे लेने नहीं देती. सो शी टोल्ड मी कि लाइक जितना तेरे को ड्राई फ्रूट खाने हैं खा, दूध पीना है पी और अच्छे अच्छे ये चने वने खाने हैं खा, बट वो मत ले. एनी वेज सो माई सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट वॉज रियली वेरी यमी. आई एम रियली लविंग इट. सो पहले ना मैं ये बॉयल चना हो गया या स्प्राउट्स हो गए ये सब बिल्कुल नहीं खाती थी, मुझे पसंद नहीं था. बट अभी मैं ना थोड़ा इनको फ्लेवरफुल बना के खाती हूँ, लाइक जितना मेरे से हो सकता है अच्छे से इसको मतलब अच्छे से बना के खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो या दिस इज़ वॉट आई ईट फॉर माई ब्रेकफास्ट. एंड मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे सो मैंने थोड़े बचा लिए हैं और मैं या तो लंच में खाऊँगी या फिर डिनर में. सो एनी वेज एंड आज काफ़ी टाइम बाद बहुत अच्छी धूप निकली थी सो इट्स टाइम टू टेक अ लॉट ऑफ विटामिन डी. मुझे बहुत टाइम से ना अपने जिम के लिए एक प्यारी सी लेगिंग चाहिए थी. सो फाइनली मैंने कल स्पोर्ट्स से एक प्यारी सी जिम लेगिंग्स ऑर्डर करी एंड मुझे पार्सल कल रात को रिसीव हुआ था. एंड आज मैं व्लॉगिंग करने वाली थी तो आई थॉट क्यों ना आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूं. सो हियर इज़ द लेगिंग एंड ये लेगिंग्स बहुत अच्छी थी, लाइक इसका जो मटेरियल था बहुत बहुत बढ़िया था एंड इट्स कैमल टो फ्री सीमलेस सब कुछ एकदम परफेक्ट थी, लाइक इसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी. गड़बड़ थी तो बस साइज़, मैंने ये साइज़ एल में ऑर्डर किया था एंड मेरे को ना ढंग से फिट नहीं हुआ, लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल सो मैंने ये रिटर्न कर दी. बट इफ़ यू आर साइज़ एस एम और मे बी एल जो स्मॉलर एल होता हो तो आई थिंक उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, लाइक इससे बढ़िया. और ये काफ़ी यू नो सेल में थी, सेल चल रही है, आई डोंट नो व्हाट, थोड़ा मुझे सस्ता भी पड़ा ये. सो अगर आपको ये चाहिए एंड इफ़ यू आर साइज़ एस और एम एंड वट एवर सो आप खरीद लेना, मैं लिंक डाल दूँगी. अदरवाइज इट वॉज सो गुड. अगर बस मेरा ये था कि काश ये एक साइज़ बड़ी होती, बट कोई बात नहीं, हम नहीं ऑर्डर करेंगे एंड वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो ये सब करने के बाद मैं चली गई थी नहाने एंड आफ्टर टेकिंग अ शावर आई डिड माय स्किन केयर, जिसमें एक ही स्टेप है वो है सनस्क्रीन लगाना, बिकॉज सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं उस सनस्क्रीन का रिव्यू अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. सो हियर इज द रिव्यू. सो दिस सनस्क्रीन इज़ सो गुड, लाइक ये मैंने ऐसे मज़े में मंगा ली थी कि कुछ नया ट्राई करते हैं एंड सरप्राइजिंगली ये बहुत अच्छी है. लाइक इसमें SPF 50 है एंड ये स्किन पर बिल्कुल भी नहीं हो, वाइट कास्ट तो बिल्कुल भी आपको देगी नहीं एंड स्किन में बहुत ईजिली अब्जॉर्ब हो जाएगी. इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर यू, बिकॉज मेरी एक्ने प्रोन स्किन है और बहुत ही ऐसे कम प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेरी स्किन पर सूट करते हैं एंड इट डजेंट फील हैवी and doesn't make your skin greasy at all and it is affordable. If you want to try it, link is in my description box, go check it out. Aap bhi try kar sakte ho, like from my side I am giving thumbs up because ye sach mein bahut achhi hai and this is not sponsored at all, it's my own experience ki main life mein kuch naye naye products use karti hu aur main aapke sath share kar rahi hu. Yaar oily bilkul hi banayegi aapke face ko, bahut badhiya, try kar lena. So ye sab karne ke baad main thodi der chhat par ghumne chali gayi थी वाइल डूइंग सम माला.
आई डू दिस फॉर माई मेंटल पीस। एंड इसके बाद फिर मैंने घर आकर किया था लंच, एंड लंच वंच करके मैं थोड़ी एडिटिंग करी और उसके बाद मैं सो गई थी। फिर मैं शाम को ही उठी जिम जाने के टाइम पर। सो नाउ इट्स टाइम टू हिट जिम एंड हियर इज़ माई जिम क्लोथ्स। सो या यू गाइज नो दीज बॉन्कर्स जॉगर जो कि बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो या दिस इज़ माई टुडेज जिम आउटफिट। और आज हम करने वाले हैं लेग वर्कआउट। सो लेट्स गो टू द जिम। तो अपनी छोटी मोटी जिम प्रोग्रेस से खुश होकर मैं घर आ गई थी। एंड घर आने के बाद आई चेक आउट माई सेल्फ इन टू द मिरर लाइक फॉर नो रीज़न, यू नो, जो मेरा पहले वेस्ट था और जो अब है उसमें बहुत डिफरेंस है। एंड आई डोंट नो आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, बट मुझे लग रहा है बिकॉज आई फोकस सो मच ऑन माई आज वर्कआउट। सो या एंड जब और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट और आएगा, तब मैं आपके साथ अपनी बिफोर एंड आफ्टर की पिक शेयर करूँगी। देन यू गाइज विल रियलाइज़ कि हाँ डिफरेंस तो है भाई। सो या उसके बाद मैंने किया था डिनर, एंड फॉर डिनर मैंने खाया था मेरा जो ब्रेकफास्ट का लेफ्ट ओवर था, पहले तो मैंने वो खाया था। उसके बाद मम्मी ने कुछ सोयाबीन से कुछ बनाया था मेरे लिए, फिर मैंने वो खा लिया था। So after having dinner, now it's time to sleep because I was fucking tired, like fucking tired, seriously. And yes, one more thing, this is how the night view of my balcony. So बहुत ज़्यादा ठंड है, सो कोहरा भी पड़ने लगा था। आज तो मज़ा ही आ गया, मुझे कोहरा देखने में ना बड़ा मज़ा आता है छोटे बच्चों की तरह, वो कोई बात नहीं। सो या दैट्स इट फॉर माई टुडेज ब्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाई।